नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे दूल्हे राजा और सलाखें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं सलाखें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सलाखें सन 1998 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, रवीना टंडन, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, अमरीश पुरी और मोहन जोशी नजर आए थे। इस फिल्म को गुड्डू धनवा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी लिखी थी दिलीप शुक्ला ने। इस फिल्म को 24 अप्रैल सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 9 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ 34 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 90 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 4 करोड़ 39 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 17 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.3 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और कोई भी गाने हिट नहीं हो पाया था। अब जानते हैं दूल्हे राजा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दूल्हे राजा सन 1998 में आई एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म ने गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, मोनिश बैल, जॉनी लीवर और आसरानी नजर आए थे। इस फिल्म को हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था और इस फिल्म की कहानी लिखी थी राजीव कौल ने। इस फिल्म को 10 जुलाई सन 1998 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 5 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 13 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 64 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 3 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 23 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.6 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म का एक गाना अखियों से गोली मारे, ये गाना इतना हिट हुआ था कि डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने इस नाम से एक फिल्म भी बना डाला था। अगर बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए जॉनी लीवर को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों दोनों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।